क्लास। बैठ जाइए बाबू, ऑफलाइन वाले बैठ जाइए, ऑनलाइन वाले आप लोग कहाँ बैठे हैं किसी को नहीं पता। कहाँ पर? तुम बैठ जाओ, तुम बैठ। यहाँ कोई वैसा ही लड़का बैठेगा जो अजीब टाइप का है, न तो यहाँ से लड़की को देखने लगता है। तू लोग देखेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सब टेटा लड़का बैठेगा, इसके देखने से कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई भी यहाँ सीबीएसई वाला को मत बैठाना, बहुत खचरा होता है सुसु। आगे बढ़ जाओ जल्दी, चश्मा वाले अलाउद्दीन खिलजी, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हो। सर अपना है नहीं है? अरे बेवकूफ कहीं का, पिछले हफ्ते ना आए थे हम। इतना टाइम नहीं है तुम्हारी तरह नहाए में, एक नहाने में टाइम ले जाए। चलो भाई ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको हल्का फुल्का बताए थे, ठीक है, आज उसके आगे बताते हैं। मंडे को आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, लाइव वाले आप लोग को संडे को ही मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे जो जिंदा है आप लोग तो आप लोग को मंडे को मिलेगा। ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत हद तक बताए थे, ज्योग्राफी में कुछ बताए नहीं थे, इंट्रोडक्शन बताए थे कि पूरे भारत को जो पढ़ना है वो उसको चार कैटेगरी में पढ़ना है, और इसी चार कैटेगरी में आपको पूरा समय लग जाता है। ये भारत में उत्तर में क्या है? पर्वत श्रृंखला। उत्तर में क्या है? पर्वत। तो भारत को भौगोलिक भाग में कितनी भाग में बांटे हैं? अच्छा, पहला उत्तर का विशाल पर्वतमा, और फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान पठार, उसके बाद तट तथा द्वीप, तट तथा द्वीप, इसी में आपको सब कुछ रहना। इसमें हम वो चीज नहीं बताएंगे जो नक्शा का चीज है, समझ आ गया? नक्शा के लिए अलग से नक्शा का बैच है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए इसमें नक्शा को नहीं घुसेड़ेंगे, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर टाइप का हो जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर ज्योग्राफी की चीज पढ़ाई जाएगी, जो यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे वो वहां नक्शा में नहीं मिलेगा, और जो नक्शा में पढ़ाएंगे वो यहाँ नहीं मिलेगा, और जो छोड़ छाड़ के घूमेगा ना उसका दोनों चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों, मैं क्लास कब से आएगा न्यू बैच, रोज ना नहीं देखो ये बेवकूफ को क्या पर रहा है। सर आप रोज मत नहाइएगा, देह खिया जाएगा। सही बात बोला है। स्टार्ट कहां से करना है? पर्वत से। ये पर्वत कहां पर है? उत्तर भारत में। यहां पर विशाल पर्वतमाला है, उसके नीचे ये मैदानी क्षेत्र, उसके नीचे ये पठार है, और साइड साइड में तट है, और इधर में द्वीप है। द्वीप है सर। हम लोग को आज स्टार्ट कौन सा करना है? पर्वत। स्टार्ट कर दिया जा। भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा पर्वत क्या? मैं कन्या बैच है क्या? बता देंगे। 16 को बैच है कोई? अच्छा चलो, मैं 16 को बैच आ जाएगा, चलो ठीक है। हमको पता नहीं कि बैच है। चलो बाबू यहाँ देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पर्वतमाला। तो भारत के किस दिशा में पर्वत है? उत्तर दिशा। कौन पर्वत है? हिमालय। भारत की उत्तर दिशा में कौन पर्वत है? हिमालय। तो पहले हम लोग हिमालय की थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं, उसके बाद से आपको आगे बताते हैं। हिमालय पर्वत जो यहाँ है, आज से 11 करोड़ साल पहले वहां हिमालय पर्वत नहीं था। रफली थोड़ा बताते हैं आपको, यहाँ पर था आपका एक पूरा सा बड़ा सा जगह पेंजिया, पेंथलासा, और बीच में था पेंजिया। ये जियोलॉजी में पढ़ाएंगे। ऊपर एक जमीन थी जिसका नाम था अंगारा लैंड, नीचे वाली जमीन थी गोंडवाना लैंड, बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर, ये जमीन उस तेथिस सागर को क्या कर दी? ढकेल ढकेल के खत्म कर दी, और उसके ऊपर के कचरा को क्या कर दी? ऊपर चढ़ा दी। इस सागर में जितनी मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ थे सब ऊपर चढ़ गए, सूख साख के 11 करोड़ साल में कठोर होके क्या बना लिए सब? पत्थर बना लिए सर। क्या बना लिए सर? पत्थर बना लिए सर। और वही किसका रूप ले लिया है? हिमालय का रूप ले। किसका रूप ले लिया है?
हिमालय का रूप ले लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज जो हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, पहले वहां पर क्या था? तेथिस सागर था। कौन सागर? तेथिस सागर था। लाइव वाले आप लोग वही क्वेश्चन पूछा कीजिए जो क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, आलतू फालतू क्वेश्चन कीजिएगा ना, आपके चैट काम को पेमेंट भरना पड़ता है, बिल। समझे? जिस तरह से आप डाटा रिचार्ज कराते हैं ना, उस तरह से हम करते हैं, और उसमें से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं तो मेरा दिमाग जल जाता है। देख रहे, भारत का नक्शा टेढ़ा बन रहा है। एक बेवकूफ पूछ रहा है एगो कपड़ा कौ दिन पहनते हैं। फरवरी में हम पूरा फरवरी एक एगो पैंट पहन के भिजा दिए थे। हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता। अभी तुम लोग का ये सब टाइम है, कर लो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। मिसयूज नहीं करेंगे फिर बंद कर देंगे, हमको क्या जरूरत है फालतू क्वेश्चन के लिए पेमेंट कटाने का। ये पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत जो है इस ससुरा बहुत लंबा है, 900 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 900। कहीं 900 है, कहीं 600 है। तो 600 मीटर नहीं, 600 किलोमीटर ससुरा चौड़ा है, और 2500, कितना? 2500 किलोमीटर लंबा है। इधरिया तनी ज्यादा चौड़ा है, इधरिया तनी कम चौड़ा है। तो इस टाइप का है यहाँ पे हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत को पढ़ने के लिए हम इसे चार भागों में बांट देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। पहला भाग होता है ट्रांस हिमालय, जो हमको इस साइड से नहीं दिखेगा। ट्रांस मतलब ओपट्टी का, जैसे मेरा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। बस ट्रांस बोलना, ट्रांस हिमालय क्या बोलता है? हिमालय। हमारा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। क्या है? ट्रांस है। हमारा पीठ किस क्या चीज है आपके लिए? ट्रांस हिमालय। एक सेकंड, स्क्रीन ठीक है बाबू? ज्यादा लेफ्ट में कैमरा है, देख रहे हो? ये वाला मेरा हाथ अभी अभी देखो कैमरा में हम नहीं है अभी, ठीक था ये? देखो भी सब लाइव वाला, कोनो का मोबाइल फूटल होगा तो हमरे के कह रहा है कैमरे टेढ़ा है। ये 2500 किलोमीटर लंबा, चौड़ा लगभग 600 से कहीं कहीं 900 किलोमीटर भी। इसका कितने भाग है? चार। सबसे इधर वाला ट्रांस, कौन सा भाग है? ट्रांस। ट्रांस ट्रांस इधर से दिखेगा? हेल के वो पट्टी जाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा? ट्रांस। ट्रांस की इधर देखेंगे तो मिलता है दूसरा का पार्ट, बृहद। क्या है? बृहद। बृहद है, कौन सा है? बृहद। बृहद के नीचे आके देखेंगे तो मिलता है मध्य। बृहद के नीचे देखेंगे तो मध्य, बृहद के नीचे मध्य, और मध्य के एकदम नीचे जाके देखेंगे शिवालिक। ये कौन सा हो गया? शिवालिक। शिवालिक। टोटल हिमालय के कितने भाग? छह। हिमालय के कितने भाग? छह। इधर से देखेंगे तो ये तीनों दिखेगा, कैसे समझिए ध्यान से। ये हमारा हाथ देखिए, ये शुरुआत वाला है शिवालिक, ये वाला है मध्य, और ये वाला है बृहद, और ये वाला जो हाथ दिख रहा है ये इस साइड में, ये कौन सा है? ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। तो उधर से दिखेगा कैठ तीन, ये बोलिए मध्य ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। कितने पार्ट? कितने बोलिए? शिवालिक मध्य बृहद ट्रांस, शिवालिक मध्य बृहद ट्रांस, शिवालिक मध्य बृहद ट्रांस। इसमें से एक वो झोल हो गया, झोल जानते कौन? ये जो बना है शिवालिक बृहद और शिवालिक मध्य और बृहद, ये बने हैं से 11 करोड़ साल पहले। कितना साल? 11। और इधरिया वाला पहले ही बन के रेडी था, ये लगभग 13 से 14 करोड़ साल पहले बन गया था। 16 करोड़ तो प्रायद्वीप भारत था नीचे वाला। तो इसका मतलब हिमालय में मुख्य रूप से यही तीन आते हैं, ये हिमालय पहले ही बन गया। क्या हो गया? पहले ही बन गया। यानी जब तेथिस सागर अभी था ही, तेथिस सागर में मछली घूम रही थी सब, तो उधर खड़ा हो गया था कौन सा? ट्रांस। तो बनावट के हिसाब से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करेगा? सबसे पुराना हिमालय कौन हो जाएगा? तो पूछा था एक बार इनमें से कौन सा प्राचीन हिमालय है, ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। कौन सा? ट्रांस। वो हिमालय की आगे की तीन श्रेणियों से पहले ही बन गया था। ऊपर वाला कौन सा हो गया? ट्रांस। ये बोलिए, ये हर हिस्सा की अपनी एक विशेषता, सबकी अपनी एक विशेषता। ट्रांस हिमालय जो है आप अगर जाएंगे तो ये सारी श्रेणियों को पार करके आपको तब जाना पड़ेगा। और ट्रांस और बृहद इतने ऊंचे हैं,
इतने ऊंचे हैं कि इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, यानी इनमें एवरेज लगभग लगभग यहाँ जितने पहाड़ मिलेंगे सब कितने मिलेंगे 6000, और उससे भयानक ये बृहद वाला है 6100 मीटर, कितना 6100, जबकि आप जान के ताजुब करेंगे दुनिया का बाकी, बस हिमालय को छोड़ दीजिए, केवल किसको छोड़ दीजिए हिमालय को, तो बाकी दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो सब 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर में, कितने 6000, यानी 6 किलोमीटर ऊंचाई में सिमट जाते हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ हो, उत्तर अमेरिका का रॉकी का एल्बर्ट हो, चाहे वो माउंट ब्लांक हो यूरोप का, एल्बर्स हो रूस का, चाहे वो किलिमंजारो पर्वत 5500 मीटर अफ्रीका का हो, यानी जिस जहां पर वो लोग अपनी दम तोड़ देते हैं, जिस ऊंचाई पर दुनिया के बाकी पहाड़ मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो तो अभी इसका औसत है, क्या है, एवरेज है, एवरेज मतलब मोटा मोटी इतने, अभी एकरो से बड़ा है, समझ में कि नहीं। अब जैसे कोई औसत, औसत रोटी, अगर कोई 15 रोटी औसत खाए तो हुमच के कितना खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा। अरे यहाँ लड़का बदल गया, मैं ई भी कोनो काम का नहीं, चलो ध्यान से समझते हैं। इसमें अलग 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 यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, ये वाला, तीनों सब हिमालय चारों एक साथ बने हैं, पढ़ना चारों को है, लेकिन बनावट की दृष्टि से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करता है, नहीं करता है। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, ट्रांस, उसके बाद बृहद, उसके बाद, उसके बाद जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा वहां ठंड पड़ेगा, ठंड पड़ने से वहां बर्फ भीषण पड़ता है, बर्फ क्या पड़ेगा, भीषण, तो इतना बर्फ पड़ने के कारण ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पूरी तरह से ससुराल चौपट हो जाता है, सब पूरी तरह से क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो यहाँ क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं ज्यादा, नहीं, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नहीं पाए, यहाँ टेम्परेचर ससुराल माइनस में रहता है, -20 डिग्री -30 डिग्री, ट्रांस हिमालय में एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर -55 डिग्री, रे भाई साहब वो तो कोरोना का फाइजर वैक्सीन को रखने के लिए वहां फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही घूमेगा सर, कोरोना वैक्सीन लगा दें। भारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लाई गई क्योंकि उसको -60 डिग्री पर रखना था, इतना ठंड है, तो क्या वहां जानवर भी पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं, तो इन दोनों पर जानवर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, जबकि मध्य हिमालय वाला एरिया है, यही पर्यटन वाला जगह है, यही घूमने फिरने वाला जगह है, कुल्लू मनाली शिमला देहरादून ये सब जितना जगह आते हैं सर, बढ़िया बढ़िया जगह, ये सब किस में आते हैं सर, मसूरी रानी खेत, ये सब किस में, मध्य हिमालय, ये वाला जो शिवालिक हिमालय है तो अभी शुरुआत है, चढ़िए रहे हैं इस पे, अभी इसमें क्या है चढ़ रहे हैं, तो इधर से ये हिस्सा किस में हो जाता है भाई, स्टार्टिंग वाला हो जाता है, हिमालय को कितने हिस्सा में समझिए, चार, किसका, चार, चारों अलग अलग पार्ट में रह पाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, इसमें ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे बृहद हिमालय की, तो इस बृहद हिमालय में, किसमें, बृहद हिमालय में बहुत ज्यादा ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां है, नंगा पर्वत है इसी के अंदर, इस किसमें, बृहद हिमालय में, इसमें आपका आता है नंगा पर्वत, नंगा समझते उघारे, देखो भैया एक अलग होता है नंदा, वो भी है इसमें, एक है नंगा उघारे पर्वत, तो इसमें एक आता है नंगा पर्वत, स्टार्टिंग ये होता है उधर से नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अंदर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, ये जितने सब, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्बा, ये कामेत, ये सब पर्वत जितने बड़े बड़े हैं सब किसमें है, सब बृहद, किसमें है सर, बृहद में, सब क्वेश्चन पूछता है ससुरा कौन पर्वत किसमें है, चार गो दे देगा, एगो चार गो इंगन क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में, चार गो पहाड़ दे देगा, लो पश्चिम से पूरा बिछा दो, बिछा दिए आप, गड़बड़ा जाता है। तो हिमालय को चार हिस्सा होता है, इसको रफली इससे समझिए, यहाँ पे यही इधर आओ कोई लड़का, ये खुलेगा कैसे जी, बांधा कौन है इसको, खोल के लाओ इसको, फंस जाएगा उसमें तो सब पहाड़ इक्के में रह जाएगा, ऐसे रफली समझाने के लिए बनाए हैं वहां पे, उसको खोल के रखो, तुम बांधे हो जी, खोलो उसको, उसको खोल के
सामने ला। ऐसे रफली आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक के पास एक कई ठो पर्वत है सब, बीच बीच में जो खाली जगह रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना कहाँ से, ट्रांस। सबसे पुराना हिमालय, सबसे पुराना हिमालय के कितने भाग, शुरुआत में इस साइड में, हिमालय के उस पर हेलेंगे तो देखो भैया ये जो है ना भारत, यहाँ पे शुरुआत में हम लोग को ये है बृहद हिमालय, कौन सा है ये, कौन सा है बृहद, ये मध, ये शिवालय। जम्मू कश्मीर किसमें गया, जम्मू कश्मीर ट्रांस, इसलिए ट्रांस वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लो इधर से आओ, उधर खड़ा हो जाओ, एक तो लेके देख भाई, ये है हिमालय पर्वत, ऊपर आओ ना इस पे, इस पे चढ़ो, ये इस सीक्वेंस में हल्का सा याम। देखो ये पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये ट्रांस में आपको दुइये को चोटी महत्वपूर्ण याद रखना है। ट्रांस में कितनी चोटी याद रखना, दो चोटी दिए, दो को चोटी बना दिए। और सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां किसमें है, किसमें है, बृहद। ट्रांस हिमालय पूरा यहां तक नहीं आता है, ट्रांस हिमालय शुरुआत से लेके यहां तक नहीं आता है। अरे पीछे वालों को तो चार गो लाइन दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा सर, याद है। ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला कौन सा है, ट्रांस, ट्रांस हिमालय यहीं पे खत्म हो जाता है, ये आगे तक नहीं आता है, ये यहीं पे आकर इसी में मिलके खत्म हो जाता है। शुरुआत से लास्ट तक कितने जाते हैं, तीन, कौन, ये कौन सा, ये बोलिए सब। अब यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ इसे झुका दो, बस इसे झुकाओ, जिस सीक्वेंस में हम किए हैं इसको तोड़ना पड़ेगा जी। ये वाला जो है ये इसके इस साइड में, ये जो पर्वत है ये वाला अभी तो आपको सामने दिख रहा है, इसको तोड़ देंगे तो ये किधर लटक जाएगा, नीचे। ये ब्लू लाइट वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसको अगर यहाँ से पाइप तोड़ देते हैं, यहाँ से लकड़ी, तो ये किधर लटक जाएगा, नीचे। तो ये इस टाइप में सबसे ऊंचा में कौन मिलेगा, ये क्या, ये ऊंचा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस साइड में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा चोटियां किस पर है, हाँ, अब आपसे हम पूछते हैं सबसे ज्यादा ठंडा किस पे पड़ेगा, हाँ, कई वो कर ऐसे ट्रांस कर ऐसे ओन्ने इफेक्ट दे दम ठंडा, जितने ज्यादा ऊंचा होगा उतने ठंड पड़ेगा। सबसे ज्यादा ठंड किस पे पड़ेगा, हाँ, बृहद पे ज्यादा ठंडा पड़ता है। सबसे कम वनस्पति किन दो पर्वतों पर, बृहद और ट्रांस। सबसे ज्यादा वनस्पति, हाँ, शिवालिक, किसमें, शिवालिक, शिवालिक पर, ये निचला हिस्सा। पर्यटन के लिए सबसे अच्छा ये वाला, शिवालिक नहीं जाएगा भैया। अरे भाई पहाड़ पे का मतलब कौन चीज, पहाड़ लगे कि पहाड़ है, जब पहाड़ जिसे लगवे नहीं करता है शिवालिक, तो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा। जितने माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह पे जाते हैं, इतना तो रफली आइडिया हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, अभी रफली आइडिया हो गया, इसको रखो। स्टार्ट हम लोग को कहां से करना है, ट्रांस, ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय भारत के उस दिशा में, इसलिए इसे कहते हैं पार हिमालय। क्या कहते हैं, पार हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। ये कहीं कहीं 6000 मीटर से ज्यादा भी है और कहीं कहीं 6000 मीटर से कम भी है। ये सबसे ज्यादा क्या चीज है, प्राचीन है। हिमालय के बनने से पहले कौन बन गया था, ट्रांस, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये बेसिकली कहां आ जाता है, जम्मू कश्मीर में। कहां पे, जम्मू कश्मीर वाला एरिया किस में आता है, ट्रांस हिमालय में। हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर वाला एरिया से। 33 सागर, 33 सागर जब था ना, देखो भाई ध्यान से, कहीं पे भी आप कहीं कोई कीचड़ उचड़ रख देते हो या लिक्विड पार्ट जब आप ढकेलते हो तो सबसे साइड वाला कोना सबसे पहले उठना चालू कर देता है। तो उस साइड से वो क्या किया था, उठना चालू कर दिया था। जब यहां से नीचे से आपका अंगारा लैंड ढकेल रहा था तब वो उसको क्या करना था, नीचे से गोंडवाना लैंड किसे ढकेल रहा था, अंगारा लैंड। तो सबसे पहले उठना चालू कौन कर दिया, ट्रांस। और इसको उठने में कई सौ कई करोड़ साल लग जाते हैं ज्योग्राफी में। और ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये जियोलॉजी का हिस्सा है। इसका जियोलॉजी अभी क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। इसलिए थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंथलासा, लारेसिया, कैम्ब्रियन यूज, ये सब चीज पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आगे बताएंगे। ट्रांस हिमालय में हमको क्या देखना है, मेनली जम्मू कश्मीर को। किसे देखना है, जम्मू कश्मीर। पहले आप भारत के एक्सपेक्ट में देखेंगे ट्रांस हिमालय को।
बताइए। ये तो हो गया आपका बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, उसके नीचे ये शिवालिक। तो ये तो यहीं पे होगा सब। ये कौन सा है? शिवालिक, ऊपर वाला ये मध्य बृहद, अभी बीचो बीच वाला मध्य, बीच वाला कौन सा हो जाएगा? मध्य। ये तो हिमालय होगा। और ऊपर वाला कौन सा है? प्रांत, यानी जम्मू कश्मीर। टोटल किसमें आएगा? हाँ, जम्मू कश्मीर आएगा ट्रांस में आएगा। जम्मू कश्मीर किस ट्रांस में? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जो खुद हिमालय का एक हिस्सा है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय का खुद ही एक हिस्सा है, इसमें एक चोटी है जिसका नाम, इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय का खुद का चार भाग है। क्या है? खुद का चार भाग। कौन सा ये? काराकोरम। उसके नीचे है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल। ये चारों के चारों किसमें है सब? क्या ये हिमालय का हिस्सा है या ट्रांस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। ये हिमालय का हिस्सा ना होके ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में कितने हिस्से हैं? कितने? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका मतलब इसकी जो पत्थर होंगे वो बहुत पुराने होंगे। अगर हम इन तीनों श्रेणियों से क्या करने लगे? तुलना कराने लगे, तो इसके पत्थर क्या होंगे? ज्यादा पुराने होंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं पीर पंजाल में। किसमें? पीर पंजाल में, जो नया पर्वत है। कैसा है? नया पर्वत है। इसलिए कुछ भूगोल वेताओं ने, किसने? कुछ भूगोल वेताओं ने यह कहा है कि आप पीर पंजाल को, किसको? पीर पंजाल को किसमें नहीं रखिए? ट्रांस में नहीं रखिए। ट्रांस में नहीं रखिए। समझ में आ रहा है? ऑरेंज मोबाइल क्या कर रहा है? रखो उसको, इधर ध्यान दो। ये ऊपर वाला कौन सा है? काराकोरम। ये जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पार। इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कलेजा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर, याद रहेगा। अब हमें स्टार्ट करना है कहां से? काराकोरम से। काराकोरम में दो प्रमुख चोटियां याद रखना है, इसमें दो इसके विस्तार याद रखना है, और चार यहां पर ग्लेशियर याद रखना है। जो आप में नक्शा, कितने लड़के नक्शा वाले बैच में है? उसमें आपको ये सब नहीं बताया होगा कि विस्तार, चोटी, ये वो कुछ नहीं। चुपचाप काराकोरम खत्म, निकलिए। काराकोरम को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? के। अरे शॉर्टकट में के बोलेंगे ना, तो के वन, के टू, के थ्री, के फोर, के फाइव, ऐसे 75 को है। समझ में गया? क्यों इतना गिनती याद रखता है? के वन का भी कोई खास वैल्यू नहीं है। के टू का नाम है गाडविन ऑस्टिन। के टू का नाम है गाडविन। के फोर का नाम है गैसर ब्रूम। गैसर, के फोर का नाम क्या है? गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम। तो काराकोरम की दो सबसे प्रमुख चोटी याद रखेगा, के टू, के फोर। के टू, के फोर। के टू, के फोर। के टू, के फोर क्या होता है? कैसे क्या होता है? काराकोरम। कैसे? काराकोरम। केवन को, केवन लिख दिया जी। के टू को क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर। कितना? 8600। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, लड़का लोग फंस गया था। कहा था कि सुनिए ध्यान से, भारत की सबसे चोटी, नक्शा वाला चीन नक्शे में रहे तो वो यहाँ काम ना करेगा। नक्शा में से पड़ गया। कहा सर, भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी? नहीं, कहा था इनमें से कौन सा बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो बृहद हिमालय की ऊंची चोटी में सब लड़कों को सबसे पता था कि भैया सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड नंबर आता है K2। और उसने बोला था बृहद हिमालय का। अब बताओ भैया, बृहद हिमालय में क्या ये K2 आएगा? अरे भैया, तो क्वेश्चन ही अलग कर दिया। बृहद हिमालय में तो अब नहीं करेगा काम का, तो कैटेगरी ही अलग कर दिया। वो पूछ रहा है इसमें बृहद वाले में, बृहद वाले में बहुत सा पहाड़ है। अब वो जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कौन सा उसमें, अभी जस्ट आगे बताएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काराकोरम में दो प्रमुख चोटियां याद रखेंगे, गैसर ब्रूम और गाडविन ऑस्टिन। गैसर ब्रूम और गाडविन ऑस्टिन। गैसर ब्रूम और गाडविन। गाडविन ऑस्टिन को K2, गैसर ब्रूम को K4, गैसर ब्रूम को K4। ये काराकोरम पहाड़ी जो है, ये काराकोरम पहाड़ी, ये ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा क्या है? ग्लेशियर है। यहाँ बहुत ज्यादा ग्लेशियर है,
जिसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, दो सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो, बिस्पर, बिस्पर ग्लेशियर, सॉरी बिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और एक है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। टोटल कितने ग्लेशियर इस पे? चार। कितने ग्लेशियर? सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे बड़ा भारत में ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान से चलते समझते रहिए, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बाल्टोरो, टोरा नहीं है, टोरो, बाल्टोरो। कौन सा है? बाल्टोरो। दूसरा पियाफो, पियाफो। टोटल कितने ग्लेशियर? कितने ग्लेशियर? चारों के नाम आपको याद रहना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो। अरे दोनों का नाम बॉस है, बाल्टोरो, बियाफो, बाल्टोरो, बियाफो, बाल्टोरो, 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 और ऊपर वाला सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन और हिस्पर, सियाचिन और सियाचिन और सियाचिन और, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चारों ग्लेशियर याद रहेंगे। इस पर्वत का कुछ हिस्सा आगे हेल के चाइना में चल गया है, तो जो हेल गया है उसको दूसरा रंग से रंग देते हैं। ये हेल थोड़ा सा धंस गया, यहाँ क्या हो गया? धंस गया, धंस गया, और हेल के इधर आगे चला गया, हेल के क्या हो गया? आगे चला गया। तो हिम काराकोरम का वह हिस्सा जो हेल के आगे चला गया, इसे कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं? पामीर। और वहां जाके तीन को पहाड़ से मिल गया है, इधर हिंदुकुश से मिला है, इधर कुल्लू शान से मिला है, उस साइड में तियन शान से, ऐसे पहाड़ों से मिल गया है यहाँ पर। तो ये कौन सा पर्वत है? पामीर। पामीर का पठार जो है वो तीन तीन तो आपस में जाके मिल गया है, तो वो कोना न निकल के इस तरह से क्या हो गया? बराबर हो गया। तो उसे हम दुनिया का छत कहते हैं, दुनिया का छत। दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। इसे पठार क्यों कहते हैं? ऊपरा से ऐसे कोना ना निकल के इसे क्या हो गया? बराबर। कोनवा निकल ले रहता तो पर्वत, अब बस तो इसे थूर दीजिए तो ऐसे कोना है, यहाँ पे ले जाके जेसीबी से बकोट बकोट के इसे बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पठार। इतनी चुकी थोड़े रहता है, बकोट देंगे, बिहार बराबर रहता है, अकेले पहाड़ है, बकोटिया ना काम हो जाएगा आपका। समझ में गया? सो रहा है क्या ये काला वाला? नहीं सो रहे हो, चलो ध्यान दे दो। ये पहाड़, ये इसका ये उत्तरी विस्तार बोलिए तो पामीर, उत्तरी विस्तार, इसका इधरों विस्तार है, तो थोड़ा सा धंस गया है, विस्तार से पहले हल्का सा क्या हो गया है? धंस गया, मैंने गायब हो गया कहीं कहीं, उसका फिर निकला है यहाँ पर, फिर इधर निकला है, किस देश में जाके? चाइना में। तो इसका दोनों विस्तार किस दिशा में है? चाइना दिशा। किसमें है? चाइना में है। इसको कहते हैं कैलाश पर्वत। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तो आपको पता ही होगा किसके लिए फेमस है? अरे महाकाल के लिए है भाई, कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत पामीर का पठार, पामीर का पठार चीन में। आप बताइए, जब ये काराकोरम समझ में आ गया? काराकोरम में आपको दो प्रमुख चोटी याद रखना है, दो प्रमुख विस्तार याद रखना है, चोटी याद रखना है और क्या याद रखना है? विस्तार। दो प्रमुख चोटी तथा दो प्रमुख विस्तार याद रखना, और क्या चीज याद रखना है? चार ग्लेशियर, क्या याद रखना है? याद रहेगा, मिटा के पूछे एक बार, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए फिर हटा के पूछेंगे। जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी, रवि कुमार, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, पढ़ो बाबू। वहां के रीजनल नाम के आधार पर पड़ गया है, K2 का गाडविन ऑस्टिन, K4 का गैसर ब्रूम। ग्लेशियर जो वहां पे पूरा यहां से यहां तक ग्लेशियर भरा हुआ है। ग्लेशियर किसी भी, देखिए पहाड़ को कभी भी ग्लेशियर से तुलना नहीं कर सकते। पहाड़ तब तक आता है जब तक चट्टान न हो जाए,
उसको थूर थार के अंदर पहुंचा जाता है पहाड़ नापने के लिए। क्या चीज? पहाड़। जब चट्टान मिल गया और थूर रहे तो नहीं मिलेगा। अब उसके नीचे पूरा क्या है? चट्टान। उसे अब ग्लेशियर नहीं कहेंगे। अब जब उसके ऊपर बर्फ जमना चालू होगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा एकदम समझिए दो चार जिला देखिए। अगर दो चार जिला में बर्फ जम जाए और वो पिछले 2-2.5 करोड़ साल से वो बर्फ पिघली ही नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। बताइए तो ग्लेशियर कितने हैं काराकोरम पर? कितने ग्लेशियर? कौन कौन? पहला सियाचिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बियाफो, नीचे से बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर काराकोरम पहाड़ी में। दो प्रमुख चोटी बताइए, K2 और K4। K2 K4 नहीं याद रखेंगे आप, मतलब याद रखिएगा दोनों काम आएगा। और इसका नाम, K2 का नाम गाडविना, K4 का नाम क्या सर याद रहेगा? इसके दो विस्तार बताइए, उत्तरी विस्तार पामीर का बटन, पामीर का बटन, और दक्षिण पूर्व विस्तार कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और ये देखिए दोनों गलती से कहां चला गया? चीन। ये दोनों विस्तार गलती से चीन में, और ये दोनों पहाड़ी गलती से पाकिस्तान में, POK में। किसमें? POK में, POK वाले में चला गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, हम लोग के भोलेनाथ कहां रहते थे? कैलाश पर्वत पर। क्या हमारे लोग एक नया बवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं कि कैलाश पर्वत भारत का है? बवाल खड़ा कर सकते हैं। इस बवाल से दोनों में टेंशन होगा, दोनों में व्यापार रुकेगा, हमको घाटा लग रहा है चाइना से, सब होगा। बाद में चाइना कॉम्प्रोमाइज करने पे आएगा कि भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो, तब ना हम लोग कहेंगे कि अक्साई चीन हमारे को वापस कर दो तो हम अपना मुद्दा छोड़ देंगे। वो दिन पर दिन चढ़ते आ रहा है, कुछ दिन में ऐसा मत कहे कि दिल्ली हमारा है, चुट्टा कहेंगे। हम लोग ऐसे चुपचाप रह रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे चुपचाप रहने से नहीं ना होगा, अजुराते रहना चाहिए। देश का मुखिया जितना कमीना रहेगा उतने देश के अंदर के लोग थोड़ा ठीक ठाक रहते, मैंने बाहरी के लिए। आप तनी कोई का बोल देना चाइना, तनी रूस से भी तो सटा हुआ है, रूस से भी चाइना की सीमा है कि नहीं है? एक बार रूस के एगो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने कह दिया व्लादिवोस्टक मेरा है। अब बताइए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से जब सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक जाती है, वो बोला कि मेरा है, तो रूस ने उसको S-400 मिसाइल का डिलीवरी रोक दिया। ना देंगे तोरा मिसाइल, इधर भारत से कौन चढ़ा हुआ था गलवान घाटी में? तो कहा गलती से प्रोफेसर वहां बोल दिया था, हम सस्पेंड कर देते हैं। चढ़ के रहना चाहिए सब। काराकोरम क्या हो गया? खत्म। आगे बढ़ जाए काराकोरम से। नक्शा में जो पढ़े थे लड़के, यही पढ़े थे? नक्शा अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में बहुत का अंतर है। आप आगे बढ़े। काराकोरम की दो चोटियों के नाम, हाँ असली नाम बताओ ना, K2 K4। गैसर ब्रूमर, दो विस्तार बताइए, पामीर और कैलाश, पामीर और कैलाश। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चार ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर और हाँ? अब ये आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का सबसे इधर जो है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। आर लिख देंगे तो समझ जाएंगे। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी। मंडे को आपको इसका PDF मिलेगा, ठीक है? अभी इसे मन में याद रखें, राकापोसी, राकापोसी। किसी को कोई दिक्कत? कौन जगह है? राकापोसी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ी ढाल की पर्वत है, दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ा ढाल का पर्वत। खड़ा ढाल का मतलब समझते, गिरेंगे तो हचाक से नीचे, मतलब उबरे मर जाएंगे नीचे पहुंचने से पहले। वो पहाड़ जैसे, बाकी पहाड़ कैसे रहते हैं? इस तरह पहाड़ है, इस तरह से है, इस तरह बहुत विशाल पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वत जनरली सब होते हैं। बट राकापोसी ऐसे नहीं है, राकापोसी इस तरह से है, हचाक से इसे। अगर मान के चलिए यहाँ छोटिया है, और अगर से इधर से छटुआ उसको जाके कहा वो लड़की सबको देखेंगे तो वो करेंगे ना, तो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत डरे हुए हैं या हम बहुत नाजुक हैं।
उतनी ज्यादा चौंकेगी, ओह माय गॉड, चल जाइए ना नीचे का भाग से, ओह माय गॉड। और अगर वहां लड़का नहीं रहेंगे सब ना, अगर लड़का है सब दो चार गो, लड़की कॉकरोच से डर जाएगी, और अगर वहां लड़का नहीं रहेगा, ये जगह कौन सा राका पोसी, कौन जगह है राका, उसके बाद ये बोले तो जास्कर, आइए पीर पंजा। अब इन लोगों में ज्यादा महत्वपूर्ण, इन लोगों में टनल इंपॉर्टेंट, टनल मतलब सोचते हैं सुरंग वगैरह, तो टनल और ये क्या नाम है दर्रा, ये आपको अलग से बताएंगे, चोटियों में नहीं बताएंगे। ये हो गया आपका कौन सा ट्रांस हिमालय, हिमालय का कितना भाग, हिमालय का कितने भाग, पहला भाग कौन था ट्रांस हिमालय, कौन सा ट्रांस, हम लोग ट्रांस को निपटा दिए, ट्रांस को क्या कर दिए निपटा दिए, लेकिन अभी भी बहुत चीजें बची हुई है, अभी भी आपको बचा होगा नदी घाटी कौन सी है, नुब्रा और स्याक नदियां यहां से निकलती हैं, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास भी निकलती हैं यहां से, यहां पे वन्य जीव अभयारण्य है, यहां पे कुछ पर्वत चोटी है, कुछ जीव होंगे, कुछ सीमा बनाएगा, ये सबको हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़े तो आइडिया तो लगे पहले, एक के दिन में सब थोड़े हो जाएगा। अब किसमें आते हैं, दूसरा वाला पे बृहद हिमालय, सेकंड नंबर का नाम क्या है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय यह सबसे ऊंचा है, यह सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, इसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं महान हिमालय, इसको हम लोग मुख्य हिमालय भी कहते हैं, क्या कहेंगे मुख्य हिमालय, इसे हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, क्या कहेंगे आंतरिक हिमालय कहते, इसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ भयानक पड़ते रहता है, यहाँ बहुत मोटा मोटा बर्फ का पड़ता है, ये सब किसका नाम है एको गो का नाम, बृहद हिमालय का नाम, इसकी औसत हाइट जो है वो 6100 मीटर है, देखो भाई किलोमीटर लिख दे तो आप समझिए गलती से हो गया, बृहद हिमालय के कितने नाम है भैया कई ठो नाम है, बृहद हिमालय में नाम की कमी है नहीं, यहाँ कई ठो नाम है सर, बोलिए बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं सर्वोच्च महान मुख्य आंतरिक हिमाद्री, हिमाद्री क्यों कहते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई के वजह से बर्फ पड़ता रहता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई की वजह से ही इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, और सर्वोच्च होने की वजह से इसे महान हिमालय कहते हैं, और हिमालय की मुख्य पहचान माउंट एवरेस्ट से होती है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं, ये आंतरिक है क्योंकि इधर से दूर चढ़िएगा शिवालिक और हिमाद्री, शिवालिक और मध्य, और उधर से पड़ेंगे ट्रांस, तभी पड़ेगा ससुरा पीछे में यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं मध्य, और ये सबसे बड़ा है इसलिए इसे बृहद हिमालय, यह हिमालय अपनी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए चोटी के लिए, देखो भाई ये जो चोटी जो होता है लड़की सब का भी जो चोटी होता है बचपन में देखते होंगे ऊपर आई से बांध के रबड़ लगा के ना इसे निकाल दिया जाता था, तो वैसे ही पहाड़ का भी कहता है चोटी होता है, पर्वत जो होते हैं वो कई एक ही जैसे पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, ऐसा पहाड़ थोड़ी रहेगा, ये जा रहा है पहाड़ ऐसे पहाड़ रहता है नहीं रहता है, कई तो ऐसे इस तरह होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज, इसका हर एक हिस्सा ये पर्वत चोटी कहलाता है, क्या कहलाता है पर्वत चोटी कहलाता है, और इन पर्वत चोटी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं सर्वोच्च चोटी, क्या कहेंगे सर्वोच्च, तो क्या कोई पर्वत श्रृंखला, क्या कोई पर्वत श्रृंखला अकेले पहाड़ से बनेगा, अकेले पहाड़ से नहीं बनेगा, पहाड़ और पर्वत में मुख्य अंतर यह है कि पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा, पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 से ऊपर, ये पर्वत, पर्वतों की कई सारी अगर लाइन से खड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे पर्वत श्रृंखला, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसे सर्वोच्च चोटी, अब बाकी सबको चोटी, बाकी सबको क्या कहेंगे चोटी कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए इसमें, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, ये बृहद हिमालय को हम एक बड़ा सा बनाते हैं, ये यहाँ कश्मीर से शुरू होकर बड़ी दूर तक जाता है अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए ना बृहद हिमालय यहाँ से शुरू होगा और बड़ी दूर तक उधर जाएगा इस साइड तक, बहुत लंबा दूरी तक जाता है ये, यहाँ तक इस तरह से जाएगा, किसी को दिक्कत, हम लोग को कौन सा पढ़ना है अभी बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय बृहद हिमालय, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं शुरू कहां तक से होता है, ये इधर शुरू होता है नंगा पर्वत से, कहां पे नंगा पर्वत, ये पीओके में है, कहां है पाकिस्तान वाला एरिया में चला जाता है,
नंगा पर्वत, कहां से चालू होगा? नंगा पर्वत, नंगा, नंदा नहीं, नंगा। और यहां पर है नामचा बरबा, कौन सा है? नामचा बरबा, नंगा से नामचा बरबा, नंगा से पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में दूसरा नामचा बरबा, नंगा पर्वत और नामचा बरबा पर्वत, नंगा पर्वत नामचा बरबा पर्वत, नंगा पर्वत और नामचा, नामचा बरबा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? अरुणाचल। अब हम इसी को उस पेज पे ले जाके लिख देते हैं, यहाँ पर ये पर्वत बोलिए नंगा पर्वत और ये नामचा बरबा पर्वत, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किस पर्वत का हिस्सा है? बृहद, बृहद। ये किस राज्य में, ये कहाँ आता है? पाकिस्तान। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड की, किसकी? उत्तराखंड। उत्तराखंड का पास यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है बंदर पोंच, कौन पर्वत? बंदर पोंच। उसके जस्ट बगल में है कामेत, क्या है? कामेत। और उसके बगल में नंदा देवी, कौन सा है? नंदा देवी। तो तीन को उत्तराखंड में याद रहेगा, बंदर पूंच, कामेत, नंदा देवी, बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी, बंदर पूंछ, कामेत और नंदा देवी। देखो भाई, बंदर पूंछ और कामेत के बीच में, बंदर पूंछ और कामेत के बीच बहुते पहाड़ है, इसी के बीच में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, ये दो को नाम एक साथ आपको सबको याद रहेगा, गंगोत्री याद आएगी तो यमुनोत्री गधा को भी याद आएगा, बद्रीनाथ याद आएगा तो केदारनाथ पक्का याद आएगा, तो जब गंगोत्री याद आया तो यमुनोत्री, केदारनाथ आया तो बद्री, आई दोनों किसके लिए है? भोलेनाथ, यहाँ भोलेनाथ का ना मंदिर है। अरे भाई गलती हो जाए तो ऐसा मत कहियो, हमारा मतलब हमको ये सब बात पता रहता है लेकिन पता नहीं क्यों धार्मिक चीज में उतना कॉन्फिडेंस से आवाज नहीं निकलती है, गलती हो जाएगा तो हमारा पीछे पड़ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ भोलेनाथ का ना है, तो तू लोग काय मरिया लाइसेंस बोला है, दोनों को नहीं पता है? बद्रीनाथ विष्णु जी का और केदारनाथ भोले बाबा का, ये दोनों आदमी के पास त्रिशूल रहता था, मुख्य हथियार में कौन रहता? त्रिशूल, त्रिशूल नहीं लिया रहता था लो, अरे वो विष्णु भगवान के चक, भोलेनाथ के पास त्रिशूल इस तरह रहता था कि नहीं? त्रिशूल, वो में क्या बने रहते थे? डमरू। तो इसी से याद रखिएगा, यहाँ एक और पर्वत है त्रिशूल पर्वत, कौन पर्वत? त्रिशूल। तो सबसे ज्यादा ताम झाम किन दो पर्वतों के बीच में है? बंदर पूंछ और कामेत, बंदर पूंछ और कामेत, बंदर पूंछ और कामेत, यहाँ याद रखें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल। केदारनाथ की वजह से छूट गया, फिर से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, सिंपल है, मिलता जुलता है कि नहीं? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? पहला बोलिए ये नंगा पर्वत, अरे ये क्या बोल रहा है? बाकी लोग सर, यार एक लड़का कह रहा है कि सर प्लेटलेट क्या हो गया, उसको कुछ घट गया है, ब्लड उलट। भाई जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, ये पटना वालों के करते हैं, हम ऑनलाइन कहां से डोनेट करेंगे रे भैया? तोरा जोमैटो थोड़े है, आप अपने रिलेटिविलिटी में पता कर लीजिए, ऑनलाइन में नहीं है वो व्यवस्था, पटना में मजबूरी में है, पटना में ऑनलाइन व्यवस्था रहता तो वो भी करा देते हैं। आप लोग का, आप लोग बुरा मानते हैं, आप लोग से खून मांगते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, हम उसके पूरे अनुसरण पे रहते हैं, आप हमें खून दीजिए हम आपको भारत में ऊंच नीच छुआछूत धार्मिक लड़ाइयां कुरीतियों से आजादी दिला देंगे। बाकी अब देश अंग्रेजों का गुलाम तो रहा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें आजादी मतलब हर चीजों में आजादी मिली, आजादी हमें किससे मिली है? अंग्रेजों से। अभी तो बहुत से खतरनाक खतरनाक बीमारी भारत में बैठल है। बोलिए बाबू, ये बोलिए एन लिख दे नंगा पर्वत, ये बंदर पूंछ, ये कामेत, ये नंदा देवी, कौन देवी? नंद। इसके बाद चालू हो जाता है उत्तराखंड, क्योंकि देखिए सॉरी नेपाल, उत्तराखंड के बाद क्या चालू हो जाता है? नेपाल। उत्तराखंड के बाद क्या चालू होगा? नेपाल चालू हो जाता है। आपको आइडिया होगा ही कि भारत के जस्ट बगल में जाएंगे तो उत्तराखंड में क्या चालू हो जाता है? नेपाल। नेपाल चालू होगा कि नहीं होगा? यहां देखिए ना, ये उत्तराखंड है, जैसे उत्तराखंड खत्म हुआ क्या चालू होगा? नेपाल। ये नंगा पर्वत है, कौन है? नंगा। यहाँ पर बंदर पूंछ, यहाँ पर कामेत, यहाँ पर नंदा देवी, अब शुरू हो जाएगा नेपाल, कौन सा जगह? नेपाल। धौलागिरी,
नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी मनसालु, कौन सा मनसालु। देख भैया, धौलागिरी मने धोइए, अन्नपूर्णा मने अन्न को, बिना धोले आज अन्न बना है तो पहले धोना पड़ता है तब ना अन्न को डालना पड़ता है, तो पहले धौलागिरी, पहले धौलागिरी उसके बाद अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा। अब बिना मसाला अन्न बनेगा तो मनसालु, कौन सा मनसालु, तो बोलो धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, धौलागिरी अन्नपूर्णा मन, समझ में गया, धौलागिरी, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, याद हो गया। तो यहाँ हम एक बाउंड्री खींच दे क्या नेपाल के लिए, हम दूरे तनी सा दूरे लिख देते हैं ताकि समझ में, ये बोले तो धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, मनसालु ये कौन सा हो गया मन। इसके बगल में गौरी शंकर, कौन सा है गौरी शंकर, गौरी शंकर छू हो गया, गौरी शंकर छू हो गया, किसको ले, देखो भैया यहाँ धौलागिरी था ही, क्या था धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु, और इसमें आया गौरी शंकर लेके छू हो गया, सारा खाना मसाला लेके छू हो गया, कौन छू हुआ गौरी शंकर, क्या हो गया छो हो गया, छो यू, कौन सा छो यू, तो बोलिए तो धौलागिरी, धौलागिरी दी लिख दे धौलागिरी से, अन्नपूर्णा मनसालु गौरी शंकर छोयू, छ लिख देते हैं छोयू, क्या हो गया छू हो गया, क्या हो गया छू हो गया, छू हो गया ना मतलब भाग जाना, छू हो गया ना मतलब भाग जाना। और अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे भाग जाए तब क्या होगा ससुरा, बहुत ऊंचा पे भाग गया, तो गौरी शंकर छू हुआ कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर, किस पर हो गया माउंट एवरेस्ट, किस पर हो गया माउंट एवरेस्ट पर, किस पर हुआ माउंट, उसके बगल में मैकालू, माउंट एवरेस्ट के बगल में मैकालू, माउंट एवरेस्ट के बगल में मैकालू, माउंट एवरेस्ट के बगल में मौ, ये नेपाल के सारे श्रेणियां याद रहेंगे। अरे भाई बड़ी उठपटांग हो जाता है, सीक्वेंस से पूछ देता है, जहां तहां से दूगो उठा लेगा, एगो एन से नोच लेगा, एन से एगो एन से उधर से नोच लेगा, यूपीएससी में थमा देगा, लीजिए पश्चिम से पूरे बटोरते रहिए इसको। इधर बोलिए बंदर पूछ, कामेत, नंदा देवी, अब आते हैं नेपाल में, इधर आइए नेपाल में आ जाइए, धौलागिरी, धौलाधार नहीं, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालु गौरी शंकर छोयू माउंट एवरेस्ट मैकालू, माउंट एवरेस्ट मैकालू, याद रहेगा माउंट एवरेस्ट और मैकालू, नेपाल खत्म, नेपाल क्या हो जाता है खत्म। इसके इधर आता है कंचनजंगा, ये नेपाल और भारत के सीमा पर है यानी सिक्किम में है, तो ये कौन सा है कंचनजंगा, इधर में कंचनजंगा, आइए नामचा बरबा, नामचा बरबा कौन सा हो गया नामचा बरबा, सीक्वेंस याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, ये बोलिए तो नामचा बरबा, नामचा बरबा, ये कंचनजंगा, आइए सब कहाँ है नेपाल वाला का एक बार सीक्वेंस बता दिए, चलिए बहु रंजन कुमार ध्यान से देखिए सामने आओ, बताइए यहाँ पे आगे देखते रहिए, रंजन कुमार बोल रहे हैं सर हम दिल्ली रहते हैं, अगर किसी को दिल्ली में भी ब्लड की जरूरत है आप बोल दीजिएगा तो हम दे देंगे, भाई बढ़िया है ऐसे, आप लोग के आसपास में खुद रहे तो खुद से आप लोग आगे आ जाए कीजिए, लेकिन खराबी जानते हैं क्या लगता है कुछ कुछ लोगों में, कोई मरीज सीरियस रहेगा तो उसके रिश्तेदार ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर डॉक्टर की गलती से मर गया ना तो कुल गांव वाला उठ के चलाता है, देखे एक से एक रहता है सर, लेकिन दुनिया को हम अपने हिसाब से देखेंगे ना तो दुनिया हम लोग जिस हिसाब से सोचते हैं बनाने के लिए उसका नाम दुनिया नहीं उसका नाम स्वर्ग है, सब एक जैसा नहीं हो सकता यार, इसको हम आपको टाइम देते हैं आप दो मिनट में इसको रिवाइज कीजिए फिर पूछते हैं हम, किसी से उठा के पूछ देंगे जल्दी, हम सामने छोड़ दिए हम आपको, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखिए लाइव वाले सब लोग आप लोग को भी कह रहे हैं,
कुमार जी, एप्लीकेशन वाले आप कह रहे हैं आपको प्लेटलेट देना है, जाके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अजीत यादव जी, जाके प्लेटलेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लेटलेट में तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, होल ब्लड में तो थोड़ा बहुत चक्कर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाके दे दीजिए। याद हो गया बाबू, आगे बढ़े। अन्नपूर्णा के बाद बताइए। चलिए ध्यान, ये तीनों कहां है? उत्तराखंड, ये अरुणाचल प्रदेश, नंगा पर्वत, बंदर पोच, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, कंचन, जितना हिंदी मीडियम वाला है सब इसको, उसको तो ये याद करने में दिक्कत नहीं है। मैं कालू समझ में नहीं आएगा, तो काला आदमी को बहुत दिक्कत होता है। यार देखो, हम कभी सफेद कुर्ता पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बतासा में चिवटा घुसा हुआ है, और अगर काला कुर्ता पहन लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है तो काला सबको बड़ा दिक्कत हो जाता है, और सीबीएसई वाला एलईडी बल्ब की तरह होता है, भभकते रहता है बस गोरे भर होता है, और कुछ नहीं। ये बोलिए कौन सा है? कंचन जी कहां पे है? याद हो गया, क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा। सबसे दारे ताम झाम किन दो पहाड़ों के बीच में? बंदर पूछ और कामेत। यहां पर बोलिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, याद रहेगा ना? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, कंचनजंगा, नामचा बरबा। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितने लोग बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम? सागर माथा। हाँ, सागर माथा, चलिए ठीक है। और भी कोई नाम बता सकते हैं? हम आपको पटना में टाइम देते हैं। सागर माथा के अलावा चामो लुंगमा, ये नेपाली भाषा, ये तिब्बती भाषा का है। चामो लुंगमा भी कहते हैं, और इसे सागर माथा भी कहते हैं। चाइनीज लोग इसे क्या कहते हैं? चामो लुंगमा, ऐसे को क्या कहते हैं? सागर माथा। इसे चामो लुंगमा भी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? सागर मा। इसे चामो लुंगमा और सागर माथा कहते हैं। अर्थ होता है कि भाई पर्वतों की रानी। यहाँ पर नेपाल के लोग क्या कहेंगे? सागर माथा। लिखा हुआ रहेगा मटेरियल में, आप टेंशन नहीं ली। ये पर्वत बोलिए, हो गया? इससे पहले ये वाला नहीं था, ये कौन था? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस। और इसके बाद ये वाला कौन था? बृहद। दोनों में से क्वेश्चन पूछेंगे तो बता सकते हैं आप लोग, रेडी हैं? बताइए तो, ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां आती हैं, वो चार श्रेणी में वो कौन सी ऐसी श्रेणी है जो मतलब उतनी पुरानी नहीं है? मतलब बाकी तो सब चारों पुरानी है, सब इन चारों में सबसे कम पुरानी, दुनिया में सबसे खड़ी ढाल वाली, सबसे भयानक खड़ा ढाल, राका पोसी, किसका हिस्सा है? हाँ? सीधे अचाक से नीचे चल जाएंगे। ये कौन सा भैया? बृहद हिमालय। बृहद के बाद कौन आएगा? ये तो ये सब वाला एरिया कौन सा था? ट्रांस। ये बृहद, बृहद के बाद मध्य, बृहद के बाद क्या आएगा? मध्य हिमालय आएगा। बृहद के बाद आएगा आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर्यटन के लिए फेमस है, मध्य हिमालय पर्यटन। एक्चुअली में ये हिमालय का तीसरा भाग है, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। हिमालय का कहता है तीसरा, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मध्य हिमालय। एक ससुरा को लघु हिमालय कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। सबसे उधरिया वाला का 6000, उसके इधरिया वो इसका 3000, कितना है? 3000। ये किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन, समझते हैं ना, घूमने फिरने के लिए पर्यटन। अब इस पर्यटन में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू,
शिमला, मनाली, डलहौजी, एक और जगह है डलहौजी, बहुत फेमस जगह है डलहौजी, डलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी, नैनीताल, नैनीताल, ये सब जगह पर्यटन वाला कहां पर है? मध्य हिमालय में पर्यटन घूमने फिरने वाला सब कहां पर है? मध्य हिमालय। जंगल वगैरह कहां पर है? मध्य हिमालय, ऊपरा जंगल मिलेगा, बर्फ है पूरा, तो जंगल वगैरह कहां है? मध्य हिमालय। समझ में गया? ये जगह कौन सा है? पर्यटन के लिए, जंगल के लिए। यहां पर कुछ जब बर्फ पिघलता है ना तो वहां पर घास जम जाता है। क्या जम जाता है? घास जम जाता है। मध्य हिमालय में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। कोई कहे ना कि काराकोरम में घास जमेगा, उधर बृहद वाले में बर्फ है, उस पर घास कहां से जमने वाला है? उसके नीचे बृहद वाले में भी घास नहीं जमेगा। क्या घास जमेगा? नहीं। घास किस में जमता है? मध्य हिमालय यानी तीसरे पार्ट वाले में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। इस घास को हम लोग मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे कश्मीर में सोन मर्ग, गुल मर्ग, तो मर्ग घास को क्या कहा जाता है? मर्ग। घास को क्या कहेंगे? मर्ग। घास को मर्ग, सोन मर्ग, सोन मर्ग, सोन मर्ग, गुल मर्ग, सोन मर्ग और गुल मर्ग। उत्तराखंड के लोग इसे प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। प्यार नहीं रे, पूरा प है, देखियो। समझ में गया ना? प्यार है, प्यार। उत्तराखंड में कुछ नहीं कहते हैं। दीवाना सबसे हमको सख्त एलर्जी होता है। जिसको दुनिया का एक यही चीज है जिसके लिए किसी भी नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बेरोजगार भी चालू हो जाता है। भाई कुछ तो लिमिटेशन होना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि इतना लो। अब तो हम देख रहे हैं क्लास 5-6 का भी लड़कवा चालू है, ये सोच रहा होगा क्या पता है। बिना क्वालिफिकेशन, बिना एलिजिबिलिटी, समझ आ रहा है? आप लोगों को समझ आ रहा है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? प्यार। समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पर्यटन के लिए कौन जगह है? पर्यटन के लिए जंगल वगैरह, मार्ग नामक घास, मध्य हिमालय। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। सबसे निचला भाग का नाम क्या है? शिवालिक। सबसे निचला भाग का नाम शिवालिक, सबसे निचला शिवालिक। देखो भाई, ये तो ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, मध्य हो गया। मध्य समझा दिए? मध्य किस लिए था? पर्यटन के लिए। मध्य कोई क्या करते हैं? लघु। अभी नीचे वाला ये कौन है? शिवालिक। शंकर जी पहले इधर रहते थे, कोई जाता ही नहीं था उधर। पार्वती जी समझाई, सब आपके जैसे बलशाली थोड़े जो दर्शन करने हुआ जाएगा, आधा तो मर जा रहा है, सब श्रद्धालु ठंडा मार दे रहा है, इधर पूरा हिला रहे हैं पहाड़ सब, बृहद सब ट्रांसफरेंस करके कैसे आएगा श्रद्धालु? उन्होंने कहा कि ठीक करिए, हम चलते हैं बृहद। किस पर? बृहद पे। का महाराज, अब आप उधर से आके इधर इधर जाइए ना, नीचे यहां जाइएगा नीचे, तो यहां पर श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, सब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं से मिलेंगे तब ना उनकी समस्या सुनेंगे। बैठल है इधर कैलाश पर्वत पे, आधा आदमी पहुंच ही नहीं रहा है, कहा समस्या सुन रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि ना, एकदम सही बोल रहे, शिव जी किधर चले आए? नीचे वाले, इसलिए से कहा गया शिवालिक। क्या कहा गया? शिवालिक। पूरा डेरा किसका था? शिव जी का। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। नहीं देखते पीके मूवी में कहता कि मैं शिवालिक की पहाड़ियों पर घूम रहा था, शिव जी का डमरू का मन का टूट गया। पीओ के मूवी में देखे हो, रिमोटवा को मन का बोल रहा था। तो शिवालिक पर्वत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम लोग कहते हैं हिमालय की पदस्थली। पदस्थली मतलब समझते हैं? फुट हिल। क्या कहते हैं? फुट। गाड़ी में बैठिएगा ना तो जो ऊंची गाड़ियां रहती हैं, सब ऊंची गाड़ियां, गाड़ी में भी कैटेगरी होता है ना, जिस गाड़ी में पीछे डिग्गी नहीं रहता है, सीधे इस टाइप की रहेगी, जैसे नैनो, नैनो कार वगैरह को देखें, जिसमें डिग्गी नहीं रहता है ना, उसे कहते हैं हैचबैक। जिसमें इस तरह से पीछे डिग्गी निकला रहता है इस टाइप का, इसे इसको क्या कहते हैं लोग? सेडान। इसे क्या कहेंगे? सेडान। और जो ऊंची होती है, ऊंची होती है, उसे एसयूवी कहते हैं। बोलोरो एसयूवी, स्कॉर्पियो एसयूवी। महिंद्रा ने ना अपने एसयूवी का नाम रख दिया एक्सयूवी, यह इस चचुरा उसी ने मिलता जुलता नाम रख दिया एसयूवी। तो जितनी एसयूवी गाड़ियां होती है, स्पोर्ट कम यूटिलिटी, वो थोड़ी हाइट पर होती है,
इसलिए उसमें डायरेक्ट हाचाक से नहीं घुस पाएंगे अंदर, तो हमें वो नीचवा चढ़ने के लिए पैर रखने के लिए दिया रहता है, उसी को क्या कहते हैं फुटहिल कहते हैं, पदस्थली। तो हिमालय का पदस्थली सबसे नवीन हिमालय, अभी सोच रहा बनिए रहा, यही भार आके गिर जाता है, समझ गया कि नहीं आ गया। हिमालय के कितने भाग याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हिमालय के कितने भाग, अच्छा सबसे बाहर बृहद मध्य शिवा, ट्रांस के कई गो भाग, ट्रांस में कई गो चोटी, गैसर ब्रूमर, ट्रांस में चार गो, ट्रांस में चार, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ट्रांस में क्या होता है चार, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर, काराकोरम की दो चोटी, कैटू कैटू बोलता है गाडविन ऑस्टिन और कैसर ब्रूम, कैटू कैटू बोलेगा, काट देंगे थोड़ा यहाँ बैठ के कैटू कैटू करेगा। दो ठो विस्तार, पामीर और कैलाश, इतना तो पता है कि विस्तार किधर हुआ है, नहीं देख रहे हैं उत्तर में है, ये है चार, दुनिया की छत किसे कहते हैं पामीर का, चार गो ग्लेशियर, शिवालिक, हिस्पर, बाल्टोरो, बियापो, याद रहेगा। इसके बाद दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली, चलिए अब कल करेंगे, मंडे को करेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया, आराम से।